डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 18 क्लासेस में 10 टाइप पढ़ा चुका हूँ और आप देख ही रहे होंगे कि एक के बाद एक बेहतरीन बेहतरीन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस आप सीखते जा रहे हो बड़ी आसानी से। लेकिन हमारे दिमाग की एक कमी है और उस कमी को हम नज़रअंदाज करके उसे और बदतर कर देते हैं। यानी कि कमी यह है कि हमारा दिमाग इन सभी मटेरियल्स का रिवीजन चाहता है और हम इसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो स्थिति और बिगड़ जाती है, प्रेशर आ जाता है दिमाग के ऊपर। नहीं सीखा होता तो ये तसल्ली रहती है कि सीखना है, और जब सीख जाते हैं रिवीजन नहीं करते तो दो बातें दिमाग में आती हैं कि यार पढ़ा भी था, याद भी नहीं है, पैसा भी दिया ट्यूशन के रूप में, टाइम भी दिया, और अपने दिमाग पे भी शक होने लगता कि दिमाग कमज़ोर है क्या। तो इन सभी दबावों से, इन सभी परेशानियों से, वरीज चिंताओं से बचने के लिए रिवीजन को नज़रअंदाज ना करें। पुरानी वीडियोस जो हैं आपकी बार बार देखें, समझें उसे क्या बात है, जितनी बार हो सके, ठीक है। अब आज हम आपको टाइप नंबर 11 करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इन क्वेश्चन के जवाब देख लो आप, जो आपको कर लेने चाहिए थे अब कैसे करें आपने, आंसर देखते हैं। तो हु को बदलेंगे हम होम में, एनोइज में डज है, यहाँ से योर मदर आएंगी सिंगुलर तो ये बनेगा इज। तो होम इज योर मदर एनोइड, इसमें बाई नहीं आती, या तो विद आती है या एट आती है, और इसमें व्यक्ति होता, कल बताया था मैंने आपको, तो शुरू में क्या लगा देंगे, विद। मीनिंग पूरा हो गया, हिंदी ये है, कौन तुम्हारी माँ को नाराज करता है। तो आंसर दो तरीके से बोल सकते हैं आप, एक शाब्दिक मीनिंग बोल सकते हो, तुम्हारी माँ को किस चीज़ से नाराज़गी है, या किस चीज़ के द्वारा तुम्हारी माँ नाराज़ की जाती हैं। इसी का दूसरा आंसर और हो सकता है हमारे पास में बच्चों, हु इज़ और योर मदर एनॉयड और विद और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बोथ आंसर्स आर करेक्ट और ये आपको करने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो वाट का वाट उतारेंगे, डज है तो इज ए मार, तो फिर से वही चीज इज। योर मदर, कल बताया था मैंने आपको, इसमें वस्तु होती, उसमें व्यक्ति होता है। व्हाट इज योर मदर एनोइड, और आप यहाँ लगाएंगे एट, या यहाँ नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ लगाओ एट, लेकिन एट लगाना क्योंकि ये वस्तु दिखाता है, व्यक्ति नहीं दिखाता, और व्यक्ति के साथ विद एनोय के लिए, वस्तु के लिए एट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विच बुक इंटरेस्टेड यू, तो विच बुक तो ऐसी ही उतर जाएगा, ठीक है ना। इसमें डिड है तो वाज वर, यानी कि यहाँ वर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यू आएगा यहाँ, तो विच बुक वर यू इंटरेस्टेड। और बच्चों यहाँ आप लगाएंगे इन, क्योंकि इसके साथ तो इन ही आता बस एक आंसर, या आप ये कर सकते हो, यहाँ कर दो, वहाँ से हटा दो। तो कौन सी किताब ने तुम्हें रुचि दी, तो आंसर बन जाता कौन सी किताब में, पहले कौन सी किताब ने, कौन सी किताब ने तुम्हें रुचि दी, मज़ा दिया, तो कौन सी किताब में तुमने मज़ा लिया, ये बन जाता। फिर आते हैं हु नोज हर, तो बच्चों वो ही आंसर है इसका, होम डज निकालेंगे तो इज, क्योंकि शी आएगा यहाँ पर, होम इज शी नॉन, और टू लगा देंगे शुरू में क्योंकि नो के लिए टू आता। या इसका आंसर हम ये भी कर सकते हैं, हु इज शी नॉन टू,
ये भी आंसर है इसका। उसे कौन जानता है, उसे किसके द्वारा जाना जाता है, उसे किसके द्वारा जाना जाता है। फिर नीचे आते हैं, द स्टूडेंट्स थ्रॉन्ग्ड द फील्ड, एक्टिव वॉइस में पैसिव बनाएंगे, द फील्ड वाज, क्योंकि इसमें डिड है तो वाज वर करेंगे, द फील्ड वाज और थ्रोंग्ड, द फील्ड वाज थ्रोंग्ड। और आप जानते हैं जब यहाँ ये आएगा तो क्या आएगा, विद द स्टूडेंट्स, ये द है, ये आएगा, मेन चीज ये है, नोट कर लेंगे इसे। तो हमने 3 दिन लगातार या 2 दिन जितने दिन भी हुए टाइप नंबर 10 कर लिया, टाइप नंबर 11 देखो बोर्ड पे आप, और आपकी क्लास जो है ना, अभी नहीं, अभी और हैं 4-5 क्लासेस, हो सकता है 26 भी हो सकती है, 27 भी। तो अब यहाँ से जो हमारी क्लास आगे जाने वाली है वो जाएगी इम्पेरेटिव पे, तो हम लिखेंगे टाइप नंबर 11 इम्पेरेटिव के वॉइस, ठीक है। तो बच्चों टाइप नंबर 10 तक जो है हम पेपर में आने वाले 80% क्वेश्चंस निपटा चुके हैं, यानी कि अगर 20 नंबर के वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं या एरर भी आती हैं अगर, या फिल इन द ब्लैंक्स या नो इम्प्रूवमेंट या क्लोज टेस्ट में, तो आप 20 में से 16 सवाल कर लोगे, यकीन मानो आप 16 कर लोगे, लेकिन शर्त है आप रिवीजन करते रहें, बोर्ड पे जो एक्सरसाइज में लिखता हूँ 5 क्वेश्चन उसे अपने आप सॉल्व करो, रोजाना वीडियो शुरू। अच्छा एक काम कर लो आप, अगर आपको लगता है सर वीडियो तो कई बार देख ली मैंने, या मुझे समझ में आ गया, वीडियो में बार बार देख के टाइम क्यों खराब करूँ, तो आप सही हो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, लेकिन एक काम कर लो, हर बार जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए मिलते हैं शुरू में, वहीं हर हर वीडियो में, कभी कभी नहीं होते टेस्ट वाले दिन, उस पर क्लिक करके ना उसे रोक लो वीडियो को, उसे सोल्व करो हर बार आंसर, और उसका आंसर चेक कर लो, ये काम करते रहो 5 मिनट 10 मिनट का बस रोजाना, इससे फायदा मिलेगा आपको। तो अभी तक हम 80% मटेरियल अपना सीख चुके हैं, आप अगर अभी एग्जाम दो तो आपके 20 में से 16, 10 में से 8, 5 में से 4 सही हो जाएंगे। ऐसा मैं अपने स्टडी मटेरियल और अपने आसानी से सिखाने के तरीके, और हम ईमानदार हैं, आप भी और हम भी, टाइम पर क्लास आपको मिल रही है सारी, एक आध क्लास लेट हो गई होगी लेकिन बाकी सब टाइम पर मिल रहे हैं, और पहले ही पहुंचा रहा हूं मैं आपकी क्लासेस, ताकि बच्चे जो पहले पढ़ना चाहते हो पहले पढ़ लें। तो ईमानदारी भी लगी हुई है, मेहनत भी है, स्ट्रेटजी भी हैं, आसान तरीके भी हैं, समझदारी भी है, तो सफलता इन्हीं चीज़ों से मिलती है, कोई कमी नहीं है, बस अब पेशेंस रखना, सब्र रखना, आपको पढ़ते रहो, पेपर देते रहो, ज़रूर कामयाब हो जाओगे, लेकिन सभी चीज़ें पढ़ते रहना। तो टाइप नंबर 11 हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए आएगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं पता हो अगर आपको, मान लो आप में से कोई नया बच्चा हो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस पता ही नहीं क्या होते हैं, तो फिर वो कैसे चेंज करेगा। तो कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देख लो जरा बोर्ड पे, देखें पहला ये रहा, अभी वॉइस चेंज नहीं कर रहा है, पहचान करवा रहा है आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और आठवा। तो एक है हमारे पास में आई लाइक हिम, या आई डोंट लाइक हिम, या डू यू लाइक हिम, या डोंट, ये शुरू में निकाल सकते हैं हम, डोंट यू लाइक हिम। एक चीज समझो जरा यहाँ पे, ये जब आप मेरे पीछे वाले जो इंटरोगेटिव के वॉइस थे उसे खोलोगे तो फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको इस तरीके से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट यहाँ मिलेगा आपको, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भाग, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ को समझ लो ज़रा बच्चों, जब कभी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता फॉर्मूले के अनुसार, लेकिन ये नॉट अगर सब्जेक्ट से पीछे जा करके हेल्पिंग वर्ब से चिपक जाए तो ये अंग्रेजी में सही माना जाता है, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फ्लुएंसी अच्छी हो जाए,
फ्लुएंसी मीन्स अंग्रेजी को फ्लुएंटली बोल सकें, रुकना ना पड़े बार बार। तो मैं बोल रहा हूँ देखो ज़रा, वाई डू यू नॉट प्ले, ठीक है। अब दूसरा, वाई डोंट यू प्ले, कितनी तेज़ी से बोल दिया मैंने। तो डू डज डिड हैज़ हैव सब पीछे खींच सकते हैं नोट को। तो ये नोट जो यहाँ है गलत नहीं है, सुन लो। वैसे फॉर्मूला ये है, ये भी सही है और वो भी सही है जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो दोनों सही हैं, कभी आप इसे गलत समझो, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया हमारा। एक और देख लो आप, वाट डिड शी लाइक क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है गो आउट, फिर अगला है डोंट गो आउट, फिर अगला है डोंट यू गो आउट। देखो बच्चों, मैंने ना बोर्ड पे कुछ सेंटेंस के टाइप लिखे हुए हैं। टाइप मीन्स सिंपल, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव। पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव की वॉइस बनती नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर उनकी। लेकिन तीन टाइप के सेंटेंस की वॉइस बनती है सिंपल, वो बना चुके हैं आप। उसमें ये काम होता सब्जेक्ट हेल्पिंग और ये काम हो जाता, सिंपल होता वो। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी आपने सीख लिया, ये काम होता लेकिन शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी आपने सीख लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो ये काम कर दो फॉर्मूले के अनुसार, और सब्जेक्ट गायब है ऑब्जेक्ट, तो वो भी आपको सिखा दिया। तो हमने अभी तक सिंपल और इंटरोगेटिव के सीख लिए, उन्हीं में टाइप आ गए होंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी तक हमने जो सीखा है वो सिंपल और इंटरोगेटिव सीखा है, इम्पेरेटिव नहीं सीखा। अब हम इम्पेरेटिव पे जा रहे हैं, लेकिन इम्पेरेटिव के वॉइस चेंज करने से पहले, इम्पेरेटिव के वॉइस चेंज करने से पहले इम्पेरेटिव क्या होता है ये तो समझ लो, पहचान क्या है इम्पेरेटिव की। तो शुरू करते हैं, ये किससे शुरू हो रहा है हमारा, सब्जेक्ट से। और बच्चों ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट से शुरू होता वो होता सिंपल, या कह सकते हो आप असर्टिव, ठीक है। सिंपल बोलता हूँ मैं इसे, तो ये सिंपल है और याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट से शुरू तो सिंपल ही होगा, सब्जेक्ट और सिंपल एस एस, तो ये हो गया हमारा। तो बच्चों ये भी तो सिंपल है, या असर्टिव कह दो आप इसे, या आप इसे असर्टिव का निगेटिव कह दो। लेकिन किससे शुरू है ये, सब्जेक्ट से। तो ध्यान रखना बच्चों, ये भी और ये भी दोनों के दोनों कैसे हैं हमारे, सिंपल। ये तो कर लोगे आप अब, ही इज लाइक्ड बाई मी, ही इज नॉट लाइक्ड बाई मी, दोनों खत्म हो गए हमारे। ये तो पहले कर चुके हैं हम टाइप सीख रहे हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी में। तो बच्चों सिंपल टाइप कौन सा होता है, या असर्टिव, जो सब्जेक्ट से शुरू हो, चाहे राम, श्याम, ही, आई, माई ब्रोदर, योर ब्रोदर, कुछ भी हो, बस सब्जेक्ट हो। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल रहे। फिर अगले पे चलते हैं हम, डू यू लाइक हिम। देखो बच्चों एक गलती मत करना आप, ये कहोगे आप हेल्पिंग वर्ब, रुक जाओ अब। अब आप यहीं से डिसीजन ले लोगे कि ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, मैं मना करूंगा आपसे, ऐसे मत करो, मुश्किल में पड़ जाओगे आप, ऐसे मत करो, ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ। यानी कि आपने बस एक सिंगल शुरू का शब्द देखा और आपने डिसीजन ले लिया कि वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, मुसीबत हो सकती है आपके लिए, इसलिए ये तरीका अपनाओ जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखो अब, भले ही इंटरोगेटिव निकल जाए लेकिन तरीका वो अपनाओ जो मैं बता रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बताता हूँ मैं। देखें ये तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये है हमारा फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट, और ये है हमारी मेन वर्ब। अब रुक जाओ आप, बस यहाँ तक चेक कर लेना आप। यानी कि अगर आपको कभी डू हैज हैव इस टाइप से शुरू में मिले तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा यार ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये मेन वर्ब भी होती हैं। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, एक्चुअल टाइप क्या है उस सेंटेंस का इसे पहचानने के लिए, आपको सिर्फ
पहले शब्द से डिसीजन नहीं लेना है, नहीं लेना है सख्ती से मना कर रहा हूँ वरना पछताओगे फिर, बल्कि आपको दूसरा शब्द भी देखना और तीसरा भी। अब सुनो, हेल्पिंग वर्ब लगे आपको पहचान लोगे आप, सब्जेक्ट मिले और मेन वर्ब, या दूसरा भाग, दूसरा भाग हो या मेन वर्ब हो तो कह देना इंट्रोगेटिव है। तो देखो इधर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और निशान भी है इंट्रोगेटिव। आप सोचते तो ज़रूर होंगे यार अजीम सर कैसे कैसी बातें करते हैं ये, अरे साफ साफ लगा हुआ है इंट्रोगेटिव है और हम पहले भी पहचान गए थे, सिर्फ इससे हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव ही होगा और इससे भी पहचान गए इंट्रोगेटिव है, क्यों इतना सिखा रहे हैं? कोई वजह होगी बच्चों उसके पीछे, यकीन मानो मैं टाइम ख़राब नहीं करता आपका, टाइम ख़राब करूं अगर मैं बताओ तो मैं क्यों आपको 26वीं क्लास पढ़ाऊंगा, जो मुझे लग रहा माहौल बन रहा है 26वीं क्लास पढ़ा सकता हूं मैं, 25वीं कर दूंगा वैसे पूरा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं टाइम थोड़ी काटूंगा बच्चों आपका, मैं यूटिलाइज़ करता हूं टाइम को, मैं आपके पैसों का जो मेहनताना मुझे मिलता है उसके बदले में वो सब देना चाहता हूं जो उम्मीद करी है आपने, ठीक है? ऐसे ही सीखो जैसे बता रहा हूं। सब्जेक्ट से शुरू, सिंपल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तीनों देखने हैं आपको तीनों, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब नीचे आओ आप, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। आप कहोगे नॉट, कोई बात नहीं, देखो इधर ये भी सही है और ये हो तो भी, ये करना काम ज़रूर है आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो ध्यान रखना बच्चों, ये भी फर्स्ट टाइप रहा इंट्रोगेटिव और ये भी कैसा रहा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट की रहेगा तो फिक्स है हमारी। तो बच्चों, डू से शुरू हो या डोंट से शुरू हो, हैव से शुरू हो, विल से, किसी से भी हो, आप तीन शब्द जरूर चेक करें इंट्रोगेटिव, तभी कहना जब हेल्पिंग वर्ब मिले, फिर सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर, नोट को छोड़ो वो तो हो सकता है, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब या दूसरा भाग, तो इंट्रोगेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे सर मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा देता हूं मैं आपको मज़ा, आप सुनो, डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और अगर आपने इसकी पहचान नहीं करी कि शुरू में रखी हुई हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, तो फ़र्क पड़ जाएगा, मेन वर्ब होगी तो इम्परेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी तो इंट्रोगेटिव होगा। अब इस बात की पहचान हम कैसे करेंगे कि शुरू में जो रखी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, दूसरे शब्द को पकड़ो, अगर सब्जेक्ट है दो पे क्लियर हो जाएगा, वैसे वैसे दूसरे पे ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा तीसरा भी पकड़ो मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट हो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और ऐसा नहीं हो तो बताऊँगा क्या होगा, अभी रुक जाओ, पहले यहाँ आओ, देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब नीचे आते हैं, व्हाट डिड शी, तो ये तो आप जानते हो सेकंड टाइप है, इसका भी तरीका सुन लो आप, क्वेश्चन वर्ड पहला शब्द ये देखना, दूसरी हेल्पिंग वर्ब और तीसरी सब्जेक्ट, दो तक देख लो बस, मतलब तीन तक, तो तीन शब्दों तक देखा करो, वो तो चलो सिंपल है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप नुकसान पहुंचा सकता अगर पहले शब्द से जानोगे तो, तीनों से जानो, ऐसे इसका नियम है। अब यहाँ आओ आप, ये गो जो होती है, थोड़ा समझदारी से काम लो अब, ये जो गो होती है बच्चों, क्या ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है? ये तो मेन वर्ब होती है। अब जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं शुरू में आकर के, जो कंफ्यूज कर सकती हैं वो बस दो हैं, एक तो डू और एक हैव। डू और हैव ऐसी हैं, कभी अपने सेंटेंस को इम्परेटिव में ले जाएंगी शुरू करके, शुरू में आके, कभी इंट्रोगेटिव में ले जाएंगी, तो इसलिए कह रहा हूँ सतर्कता बरतना वहाँ पर आप, बाकी तो सिंपल है। चलो तो गो आउट, बच्चों देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना शुरू में, ये इसे बोलते हैं हम इम्पेरेटिव, ये इम्पेरेटिव है, ये आया निकल के, अभी तक कोई नहीं था इम्परेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, लेकिन अब आया इम्परेटिव। दूसरा देखो, डोंट, जैसे ये था डोंट, इसके बाद में बच्चों क्या था, ये सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ आओ, इसके बारे में क्या है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इम्पेरेटिव है। अब देखो इसको और इसको ध्यान से देखो आप, शुरू में तो डोंट है ना, इसलिए मैंने कहा था अगला शब्द जरूर देखना, तो डोंट के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तो बच्चों इंट्रोगेटिव हो गया ये, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट मिल गया ना, लेकिन यहाँ आओ डोंट गो, बस इसको नोट कर लो आप, इन दो बातों को नोट कर लो,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो अगर सेंटेंस शुरू में, तो ये इंपेरेटिव है। और अगर डोंट हो और फिर तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तुरंत सब्जेक्ट नहीं हो बीच में, जैसे ये था, ये होगा तो फिर इंट्रोगेटिव होगा। डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी कैसा है हमारा, इंपेरेटिव। तो बच्चों ये इंपेरेटिव, ये इंपेरेटिव, लेकिन ये देखो, डोंट यू गो आउट, क्या तुम बाहर नहीं जाते हो, निशान भी है, लेकिन पूरी बात हमारी भी समझो आप। डोंट और ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, मेन वर्ब, बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट। और ये जो फॉर्मूला है, ये तो भैया इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप का है। तो बोर्ड पे जितने भी सेंटेंस हो उसमें कितने इंपरेटिव हैं, बस दो। तो यहीं से फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया, मेन वर्ब से शुरू होगा तो इंपरेटिव, और डोंट प्लस मेन वर्ब से शुरू होगा तो इंपरेटिव। क्लियर, बोर्ड पे देखो जरा। इंपेरेटिव के पैसिव कैसे बनाते हैं, शुरू कर रहा हूं, देख लो बोर्ड पे पहला क्वेश्चन, अब पहचान लोगे आप। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, प्ले लूडो, बताओ इंपेरेटिव है या नहीं, ध्यान से देखो बोर्ड पे, इंपेरेटिव है ना ये सेंटेंस, क्यों हुआ, क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, पैसिव बनाए। अब रुको आप, ये कौन सा टाइप है, 11। और बच्चों जब टाइप चेंज होता है तो मतलब है तरीका चेंज होता है, अभी आपने किसी और तरीके से बनाए, टेस्ट के अलग तरीके से बनाए, गोइंग है अगर और टू फर्स्ट फॉर्म तो उसका अलग बना, इट इज़ टाइम का अलग बना, टेस्ट फील स्मेल का अलग बना, लाइक वांट डिज़ायर रिमेंबर का अलग बना, और हैं अभी कई सारे, लेटस भी आएगा इसमें। तो ये हमारे अलग अलग तरीके के जो टाइप हैं, इनका वॉइस चेंज करने का भी तो तरीका अलग अलग है ना, तो ये अलग तरीका आएगा बिल्कुल। शुरू करें, देखो बोर्ड पे, इंपेरेटिव के बहुत आंसर हैं, जैसे पहला आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्ले लूडो, लूडो खेलो, कौन खेलेगा लूडो बताओ आप, लूडो तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, अब आप पुरानी बातों पे पहुंच जाओगे, सर यू छिपा होता, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, यू छुपा होता है इसके अंदर, बढ़िया है, क्यों छुपा होता है यू, क्योंकि बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस बोले ही उससे जाते हैं जो सामने खड़ा होता। जरा देखना, यहाँ पे जो है मेरी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, अब मैं उससे कहना है मुझे, तो मैं कहूँ ऐसे करके चाय बनाओ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कौन बनाएगा चाय, ये कह सकता हूँ भाई मैं घर जाऊँगा अपनी वाइफ से चाय बनवाऊंगा, ये चल जाएगा, मेरी बीवी चाय बनाएगी, ये सब चल जाएगा, मना भी कर सकती है, टाइम काफ़ी हो गया ना, 10:30 बज गए, हो सकता है कि मना कर दे, वो अलग की बातें हैं, लेकिन जब वो मेरे सामने मौजूद नहीं है, हाँ मैं फील कर सकता हूँ, ऐसा होता यह पता नहीं, नहीं होता, बेवकूफ़ी वाली बातें भी लगती हैं कभी कभी। अच्छा थोड़ी सी मैं यहाँ रुक करके आपको ये बताऊँ कि ये जो प्यार नाम का शब्द है ना, और इसमें ये तो सही है होता है, लेकिन इसके बाद की जो बातें हैं, कहानियाँ, कौन सी कहानियाँ, फ़ोन पे हैं और फ़ोन पे बात चल रही है, अब फेंकना शुरू करेंगे वो, मैंने भी बहुत फेंकी है अपनी बीवी से, हाँ कहाँ हो यहीं पे, अच्छा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखो अपने आसपास जो हल्की हल्की सी हवा चल रही है, सूंघो उसे ध्यान से, देखो मैं ही हूँ, हाँ हाँ तुम ही हो, और होते थे हम पता नहीं क्या होता था ये, तो ये जो है ना एग्जेजरेशन होता, बढ़ा चढ़ाकर बातों को करना, और मज़े की बात, जो जितना अच्छा झूठ बोल सकता है, जो जितना अच्छा झूठ बोल सकता है, वो उतना ही अच्छा प्रेमी कहलाता है अपनी होने वाली बीवी की नज़रों में, या जो भी आपके रिलेशन होता हो। ठीक है, रुकेंगे, अब वापस आएंगे बोर्ड पे, मैं कह रहा था इसके अंदर ठीक है यू छिपा होता है, नोट कर लो आप इस चीज़ को, इंपरेटिव में यू छिपा होता है, लेकिन छिपा हुआ क्यों होता बच्चों, इसलिए क्योंकि जो सामने होता ना वो यू होता, और जब सामने वाले से किसी काम को कहोगे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं कहूँ मान लो यहाँ कोई लड़का बैठा है, कोई लड़की बैठी है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई नहीं है वैसे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे भी एक चीज़ सुनो आप, अभी इस पे ध्यान आया मुझे ज़रा, कल मुझे एक लड़का मिला,
मतलब स्टूडेंट है हमारा, वो पढ़ता है, और उसने मुझे बुलाया, अजीम सर चुपके से बुलाया उन्होंने। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, पढ़ा रहा हो क्या आप क्लास में, कुछ बच्चे हैं मतलब क्लास में, मैं भी आ जाऊँ चुपके से पढ़ा रहा हो आप, लॉकडाउन लगवाना सब बंद है। अब मैं चौंक गया, अरे ये ऐसे क्यों कह रहा, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं कोई नहीं है यहाँ पर, आपकी वीडियो चल रही है बस ये। फिर उसने कहा सर ठीक है सर आप झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन मैंने इसलिए पूछा, आवाज़ आ रही थी कल क्लास में से, देखो दरवाज़ा बंद है, मैं यहाँ हूँ, दरवाज़ा खोलूँगा तो कोई आ जाएगा, जानवर वगैरह या कोई कुत्ते वगैरह होते हैं ना, या मतलब कोई भी इंसान आ जाए एकदम से या जानवर, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो बंद कर रखा। अब बाहर तो ये लगेगा ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उसे धोखा लग गया बेचारे को, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम। इतना ज़्यादा मतलब ठाकुर द्वारा में हमारे पैशन कोचिंग क्लासेस का नाम भी है, हमारी भी अपनी इज्जत है। अब 30-35 बच्चे बिठा करके 20-10 पढ़ा करके मैं क्यों अपनी इस रेपुटेशन को ख़राब करूँ? सब जानते हैं थोड़ा बहुत ईमानदार हूँ मैं, ऐसा कहते हैं कि मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं इस पर दाग क्यों लगाऊँ? तो नहीं पढ़ा रहा मैं। अब रुकेंगे और मेरी बात सुनेंगे आप, मेन टॉपिक पर आते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होता है यू, सिर्फ यू, और उसके छिपे होने की वजह यह होती है कि वो सामने वाले से ऑर्डर, सलाह या कोई उसे एडवाइस मतलब दी जाती है। तो ऐसे बोलते हैं बाहर जाओ, अंदर आओ, खाना बनाओ, पत्र लिखो, बैठो, उठो, तो इसमें यू को छिपा लेते हैं। तो क्या छुपा होता है इसके अंदर? यू, एक मिनट। तो ये हमारा जो सेंटेंस है प्ले लूडो, इसमें ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या छुपा हुआ है? यू। अब इसके वॉइस चेंज करने के लिए एक अलग ही प्रकार का फॉर्मूला मिलता हमें, और आप उस फॉर्मूले को पढ़ लेंगे, हम समझाएंगे क्यों होता है वो, लेकिन फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, होता क्यों है वो मैं समझा रहा हूँ। हिंदी सुनो, लूडो खेलो, अब जो खेलेगा उसे आना पड़ेगा, तो कौन आएगा? यू। फॉर्मूला तैयार हो रहा है, यू। मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस लिखो, लिख लिया क्या आपने? लिख दिया या लिख रहे हो क्या? यानी कि मैंने कहा सेंटेंस लिखो, तो लिखा तो नहीं है आपने, लिखना शुरू करोगे ना। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों आपसे, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें पास्ट का कोई जिक्र नहीं होता। अरे मैंने कहा पत्र लिखो, बैठो, बाहर जाओ, तो ये काम होने हैं, हुए थोड़ी हैं, इसलिए इसमें पास्ट मत लगाना कभी भी। तो यू आर आएगा इसमें, यू आर आस्क्ड बन गया पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड ये हमें करना है सब अपने पास से, यू आर एडवाइज्ड, यू आर आस्क्ड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। बच्चों पैसिव तो बन गया, मजे की बात देखो उसका यूज भी नहीं हुआ अभी, वो पैसिव बन गया, इसलिए बना बच्चों ये पैसिव वॉइस। लूडो खेलो तो आंसर बनता तुमसे कहा जाता है लूडो खेलो, तो तुम नहीं कहते, तुमसे कहा जाता है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा मैं? जब बी थर्ड फॉर्म है हमारे पास, बी थर्ड फॉर्म, तो इससे कहा जाएगा। और मजे की बात सुनो, अगर मान लो ये होता तो पता क्या होता? तुमने कहा, तुमने आदेश दिया, तुमने सलाह दी, तुमने विनती करी, तुमसे कहा गया, तुम्हें आदेश दिया गया, तुम्हें सलाह दी गई, तुम्हें रिक्वेस्ट भेज, तुमसे रिक्वेस्ट करी गई। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि बच्चों ये पैसिव है, और पैसिव में काम इसके ऊपर होता, तो ध्यान रखें पैसिव तो हमारा बन चुका। अब क्या ये यू जो है मैं यहाँ से लाया था क्या? ये यहीं था, यहीं उतर गया। जब हम ये यहाँ लेके ही नहीं गए, तो बच्चों इनके साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ टू जोड़ के पूरा क्लोज ऐसे ही उतार दो, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस, ये एक्टिव था। कोई अगर पूछना चाहता है सर पैसिव किसका बना? इसका नहीं बना पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो एक अपने फॉर्मूले से निकल के आया इसके अंदर, एक आंसर ये होता है इसका। तो बच्चों जब भी कभी आपको लगे इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, पैसिव बनाना है, बेझिझक बेफिक्र हो करके आप, यू आर कोई सब इनमें से, अब ये भी समझ लो आप, ये लगा लो या ये लगा लो या ये लगा लो या ये, तीनों नहीं आएंगे, ये लगा लो या ये लगा लो या ये, मतलब मेरे कहने का ये है
मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, पेपर में तो एक ही लगाओगे ना कोई सा। अब ये समझ लो कि कौन सा कब लगाओगे, ये समझ लो कौन सा कब लगाओगे। और भी आएंगे, अभी सजेस्टेड आएगा, कमांडेड आएगा, बताऊंगा आपको। अभी पहले ये देखो कि इनमें से कौन सा कब आएगा। देखो बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसका यूज आप तब करना जब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में, नोट कर लो इन बातों को, या वैसे प्रैक्टिस होगी समझ जाओगे आप, जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस अपने अंदर विनती दिखाए। कैसे करके? ये दो शब्द होंगे, प्लीज, प्ले लूडो, बस ये आंसर है, सब खत्म, सब खत्म होगा, बस ये आंसर है। या प्लीज नहीं हो, काइंडली हो, दो शब्द हैं ये। तो ये काइंडली और प्लीज जो है ना, ये विनती दिखाते हैं, पोलाइटनेस दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं ये। तो ये भी होगा, तो भी ये खत्म और ये आंसर है, यानी कि ये बनेगा आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले लूडो। तो जो हमने बोर्ड पे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया हुआ है, टू से पूरा सेंटेंस ऐसी उतार दिया, कुछ मत करना इसके अंदर, बट टू लगा के छोड़ दो इसे ऐसी, और पिछले वाले में हम यू आर लगा के इनमें से कोई एक मेन वर्ब लगा लेंगे। रिक्वेस्ट तो चली गई, किसके लिए? काइंडली और प्लीज के लिए। अब यहाँ आते हैं, तो बच्चों जब आपको लगे यार कोई ऐसा काम करने को कह रहे हैं, आपको काम देख करके समझ में आ जाएगा यार ये तो सलाह है, ये तो फायदे के लिए कहा जा रहा है उससे, तो एडवाइस लगाना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो बच्चों गरीबों की मदद करने को जब हम किसी से कहेंगे तो हम ऑर्डर नहीं दे सकते उसे, ऑर्डर में तो वैसे नहीं कर पाएगा और वो खिन जाएगा कि ये क्यों कह रहा मुझसे ऐसे करके। हम विनती कर सकते हैं, अच्छा विनती आया मेरे दिमाग में, लेकिन एडवाइज्ड बेहतर है, क्यों? इससे भला होगा, इससे उसे सवाब मिलेगा, इससे उसके पाप कम होंगे। तो ऐसी सलाह जो किसी के काम आ जाए, उसको लाभ मिले, उसके लिए एडवाइस लगाते हैं। या रुक जाओ, ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरा सुन दो, सेव वाटर, पानी बचाओ, तुम्हें सलाह दी जाती पानी बचाओ, डोंट वेस्ट वाटर एडवाइस, स्टॉप स्मोकिंग एडवाइस। तो मेरी बात समझो जरा सही से, आस्क्ड ऑर्डर्ड एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड, ये चारों जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इनमें से कोई एक आप यूज करोगे जब पैसिव बनाओगे इम्पेरेटिव का। और ये कब यूज करेंगे? जब काइंडली या प्लीज होगा, काइंडली या प्लीज होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? दूसरी बात, अगर हमें अपने सेंटेंस में कुछ ऐसी बात लगे कि यार ये तो फायदे के लिए है, धूम्रपान छोड़ दो, पानी बचाओ, तो हम किस पे जाएंगे फिर? इस पे। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो प्लीज़ और काइंडली है तो ये आएगा, चाहे कुछ भी हो, फिर ये आएगा। और नहीं है वो दोनों तो फिर एडवाइस, जब सलाह होगी। लेकिन जब ये सुनो ध्यान से, अब तीसरा वाला, ऑर्डर वाला, जब आपको लगे कि यार सेंटेंस को बोलने का तरीका आदेश जैसा है, बाहर जाओ तुरंत, गो आउट एट वंस, एट वंस होता तुरंत, तुरंत बाहर जाओ, आदेश है इसके अंदर। या अब दूसरी बात सुनो, या आपको लगे कि यार मेरे सेंटेंस के अंदर जो बोलने का अंदाज है वो ऐसा है कि आदेश ही होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे एक सेंटेंस, और एक तो ये हो गया गो आउट एट वंस, एक ये हो गया कीप साइलेंस, शोर मत मचाओ, शांत रहो, ये भी ऑर्डर है। तो आपको अपना सेंटेंस पढ़ करके ये एहसास हो जाएगा, यकीन मानो, प्रैक्टिस करवाऊंगा ना मैं, कि हाँ यार इसमें ऑर्डर है, इसमें एडवाइस है, और इसमें हमारी रिक्वेस्ट है। अब ये तीनों ही नहीं समझ पा रहे हैं आप, रिक्वेस्ट भी नहीं है और काइंडली भी नहीं है, सॉरी प्लीज़ नहीं है, काइंडली नहीं है, तो रिक्वेस्ट ख़त्म हो गई यार, कोई सलाह जैसी बात भी नहीं लग रही, एडवाइस ख़त्म हो गया, आदेश का भी नहीं पता चल रहा। जब नहीं आए समझ में तो ये लगा दो बस अकेला, आस्क्ड सब खत्म कर दो, जब नहीं आ रहा समझ में तो ये लगा दो आप। तो बच्चों जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार है, पका पकाया रेडीमेड फॉर्मूला है ये,
यू आर ये खत्म नहीं हो सकता, यू आर ये तो पक्का है, वर मत करना, इज मत करना, ही मत कर देना यू आर इंपरेटिव के लिए, क्योंकि यू छिपा हुआ आर आधा का प्रेजेंट में होता है, यू आर अब वो आपका डिसीजन है, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या आस्क्ड, थर्ड फॉर्म करना, थर्ड फॉर्म क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो पैसिव है ही नहीं, ये तो ऐसे उतार दिया उन्होंने, पैसिव तो यहाँ बनना ना, तो ये थर्ड फॉर्म करना, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, खत्म हो गया सेंटेंस। सुनो ये गलत है, गलत है ये बिल्कुल, आईएनजी भी गलत है, कुछ भी नहीं, बस थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव ये है, पैसिव हम यू को निकाल के बनाते हैं, तो जो मैंने दिखाया था वो आंसर हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखो आप, मतलब इसका आंसर दूसरा, एक तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, दूसरा देखो अब, वो आंसर था इसका, अब एक आंसर और हो सकता है इसका, वो भी देखो आप। देखो बच्चों, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो हमारे पास आंसर देने के लिए पैसिव के तीन चार तरीके हैं, दो तरीके भी हैं, तीन भी हैं, चार भी हैं, कई सारे तरीके हैं मतलब इसके। तो पहला तरीका हमने पकड़ लिया एक फॉर्मूले से, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर आस्क्ड, यू आर रिक्वेस्टेड और टू और फर्स्ट फॉर्म पूरा ऐसे उतार दो आप, क्लियर हो गया वो, उसका ध्यान रखना, आंसर उसके ऊपर आएगा तो वो लगा देना, और उनमें से मिल ही नहीं रहा कोई सा, यू आर वाला आंसर मिला ही नहीं हमें आंसर में, तो दूसरा तरीका और जान लो आप, लूडो खेलो, और बच्चों जब ऑब्जेक्ट है तो आप इसे शुरू में ले आओ, सिंपल तरीका बिल्कुल, और बच्चों इसके बाद हमें अपने पास से एक मॉडल लगानी होती है, और वो मॉडल हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार लगती है, और उसका यूज़ हम करते हैं शुड के रूप में, यानी कि ये होगा शुड। अब दूसरी बात देखो बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट जब मेन वर्ब को क्रॉस करता ना ऐसे करके, पिछले वाले में नहीं करा था इसने, यू आर वाले में कहीं नहीं गया था, लूडो ऐसे उतर गया था, लेकिन इसमें क्रॉस कर रहा, तो इसका पैसिव बनेगा इसका, और इसका पैसिव कब बनेगा, जब लूडो शुड के साथ में क्या है बी, और प्लेड जब इसमें यू गायब है तो यहाँ भी मत लिखो, ये भी आंसर है, ये आंसर है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब बात आती है सर समझ में नहीं आ रहा, पता क्यों समझ में नहीं आ रहा आपकी, आप इसके अंदर ज़बरदस्ती का लॉजिक ढूंढना चाह रहा हो, सर कुछ जादू बता दो, टाइप नंबर कौन सा 11 तो अलग तरीके से बनेगा, तरीके क्या हैं अलग बोर्ड पर दिखा तो रहे हैं आपको हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस पहचानो, एक आंसर वो है हमारे पास रेडीमेड यू आर थर्ड फॉर्म, और टू और पूरा ऐसे उतार दो सेंटेंस, खत्म हो गया वो। एक दूसरा टाइप और है, दूसरा तरीका और है, वो ये है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो जो अक्सर करते हो आप, और शुड बी प्लेड। अब आप कह रहे होंगे सर ये काम तो करा ही नहीं, अगर करा भी है ना तो छुपते छुपते हो गया वो काम, देख लो, मान लो यू लगा भाई है, इन्होंने छुपते छुपते ये कर दिया बाई, ये है, क्यों दिखाएंगे आपको, इंपरेटिव में छुपा लेते हैं, ये जरूरत ही नहीं है लास्ट में लिखने की, लेकिन यू आर में जरूरत है, वहां लिख दिया, यहां जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, कितने आंसर हो गए हमारे पास, दो, एक आंसर और है अभी इसका, वो भी देख लो आप, तीसरा, अपने पास से लेट लगाना है, अपने पास से क्या लगाना है बच्चों, लेट, और लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसे लेट के बाद रखेंगे, मतलब कि क्या आएगा हमारा लूडो, लेट लूडो, और बच्चों जब इसने इसे क्रॉस कर दिया तो अब इसका पैसिव बनेगा, तो बनेगा लेट लूडो बी प्लेड, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और जो पहले था वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यू आर आस्क्ड, ठीक है ये बन गया, पूरा ऐसे उतार दो, टू प्ले लूडो। तो बच्चों इस सेंटेंस के वॉइस कितने हैं पैसिव, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप मुझसे कहो सर पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तो मुझे नहीं पता, सब बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तीनों आंसर में, एक जगह है जहाँ तीन आंसर होंगे तो चुनना पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन इस टाइम तीनों ही आंसर हैं पेपर में, इनमें से कोई सा भी मिल जाएगा।
अब कंपटीशन की एक मुसीबत वाली बात ये भी है कि इसमें ऑप्शन आते हैं, तो हम जो है ना अपनी मर्जी से आंसर इनमें से कोई सा भी बना देंगे, हमारे ऊपर नहीं है, ये एग्जामिनर के ऊपर है। वो आंसर शुड से देना चाहता है या आंसर लेट से देना चाहता है या इससे, हमें तो छांटना है वहां जा करके, लेकिन तरीके से आर होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए इस तरीके से, फिर टू फर्स्ट फॉर्म, लेट से बनाओ तो ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, कोई मॉडल नहीं आएगी इसमें क्योंकि ये इंपरेटिव है, इंपरेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ये इंपरेटिव है। पता ही क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट कर लो इसे कहीं पे, लेट फर्स्ट फॉर्म होती, लेट सेकंड फॉर्म होती, लेट थर्ड फॉर्म होती, तीनों फॉर्म सेम होती। हिंदी होती है काम करने देना, अगला वाला जो काम होता, काम करने देना, जैसे लेट लूडो बी प्लेड, लूडो खेले जाने दो, तो ये काम करने दो होता है, ठीक है, नोट कर लो। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई मॉडल मत लगाना, शुड बी कैन बी लगा मत देना, वो अलग है। देखो उसमें सब्जेक्ट आ गया शुरू में तो ये सिंपल बनेगा, शुड बी आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये अलग है। तीनों तरीके से सेंटेंस दिखा दिया हमने, समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो तो क्या तरीका है, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तीनों आंसर सही थे, जरा आप मेरे साथ इसका आंसर दो। प्रिपेयर कॉफी, शुरू करें एक्टिव वॉइस से ही है। अच्छा इंपरेटिव है या नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, इंपरेटिव है, तो बच्चों इसके तीन आंसर आएंगे, तीनों देख लो, अभी सीख जाओगे मिनटों में आप। तो एक तो वही फॉर्मूला हमारे पास, यू आर आस्क्ड लगा दो, ऑर्डर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड। अब मैं समझा रहा हूँ प्रैक्टिस में, रिक्वेस्ट मत लगाना यहाँ पे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज और काइंडली नहीं है इसमें, तो यू आर आस्क्ड और टू और पूरे का पूरा ऐसे उतार दो यहाँ पे, प्रिपेयर कॉफी, कॉफी बनाओ, आंसर तुमसे कहा जाता है कॉफी बनाओ। दूसरा आंसर, कॉफी को शुरू में ले लो, सिंपल बना लो, और जब सब्जेक्ट शुरू में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए जरूर, क्योंकि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती, वही सिंपल होता सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आप क्या निकालेंगे, शुड। यहाँ पे आप कैन कुड वुड विल कुछ मत करना, बस शुड ही आएगी, पता क्यों होता, हिंदी देखो। कॉफी बनाओ, आंसर कॉफी बनेगी, कॉफी बनाई जाएगी, कॉफी बन सकती है ना, ये बढ़िया, कॉफी बनाई जानी चाहिए, कॉफी बनाओ, कॉफी बनाई जानी चाहिए, ये है, तो चाहिए होता है इसके अंदर, ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेदारी है, तो शुड आता, कॉफी शुड बी प्रिपेयर्ड, दूसरा आंसर, ये भी आंसर है। या बच्चों तीसरा, ये अपने पास से करना हमें, लेट ये हमें अपने पास से लगाना, जैसे ये लगाया हमने पास से, जैसे ये करा अपने पास से, बाकी सब है इसके अंदर, ऐसे ये अपने पास से करना, ये इसके बाद आएगा मेन वर्ब, फिर ये आएगा ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये तो इसकी तरह है, बस शुड गायब है इसके अंदर से, और क्यों हुआ, क्योंकि लेट है ना शुरू में, तो लेट कॉफी बी प्रिपेयर्ड। अब एक सवाल है मेरा छोटा सा, आंसर हो गया, ये पैसिव वॉइस है। अच्छा हिंदी सुन लो, कॉफी बनाओ, तुमसे कहा जाता है कॉफी बनाओ, कॉफी बनाई जानी चाहिए, कॉफी बनने दो या कॉफी बनाए जाने दो, ये आंसर होगा। एक चीज सुनो आप, जरा सोच समझ के बोलना, कर सकते हो आप, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या प्रिपेयर का पैसिव बना, ध्यान से देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या प्रिपेयर का पैसिव बना, नहीं बना, जो हमारा ये लिखा हुआ है एक्टिव में है, और ये जो है हमारा किस में है, पैसिव में। कोई परेशानी है आपको, कुछ नई चीज आने वाली देख लो, फिर यहां आओ आप, तो बी प्रिपेयर्ड, तो बच्चों ये जो है हमारा, इसका तो पैसिव बन गया हमारा, दूसरी वर्ब भी नहीं है इसके अंदर, इसी का बना, और बच्चों ये देखो तो इसका भी क्या बन गया हमारा, पैसिव, ठीक है। तो बच्चों ये पैसिव और ये पैसिव, तो मैं कह सकता हूं ना ये वाली बात, सोच लो क्योंकि आंसर आने वाला है एक नए तरीके से, बिल्कुल मैं कह सकता हूं ये वाली बात कि भाई मेन वर्ब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में हो, जैसे ये था, इसका पैसिव अगर बनाना है आपको, इसका बनाना है इसका, तो फिर आप शुड बी का यूज करो और लेट का यूज करो,
लेकिन आप अगर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना चाहते हो तो आप इनका नहीं बल्कि इसका यूज करो आप। तो पता सीधे सीधे शब्दों में बात क्या है, ये देखो इधर इधर देखो जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, देख लो बहुत बेहतरीन। फिर अगला जो टाइप आएगा ना वो एकदम समझ जाओगे आप, इसी में है वो, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे ये है प्रिपेयर कॉफी ऑब्जेक्ट है, पीछे लूडो ऑब्जेक्ट था। तो ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखते रहना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये फॉर्मूला ऐसे का ऐसी, इसे इधर नहीं लाना पड़ रहा, ऐसे का ऐसी किस में उतर रहा, इसमें, ठीक। अब दूसरी बात, मुझे इसे इधर लेके जाना पड़ रहा है, किस में, दोनों में। देखो इसमें भी कॉफ़ी पीछे आ गई और इसमें भी कॉफ़ी पीछे आ गई, क्लियर हो गई बात हमारी। अब ध्यान से देखो जरा बोर्ड पे सेंटेंस, बोर्ड पे देखो सेंटेंस नया, मान लो बच्चों अगर सेंटेंस ये हो, ये सेंटेंस है खेलो, ये वर्ब है खेलना, देखो फुल स्टॉप से सेंटेंस बनता, खेलो हो गया खेलो, गो जाओ, कम आओ, स्लीप सो जाओ, टीच पढ़ाओ, रीड पढ़ो, स्टडी पढ़ाई करो। तो अकेली मेन वर्ब भी अगर सेंटेंस के शुरू में कुछ भी नहीं है, फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, फुल स्टॉप, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना खेलो। अब बच्चों इसका पैसिव बनाना है अगर, तो क्या यहाँ से यहाँ लाने के लिए कुछ है क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों पैसिव वॉइस नहीं बन पाएंगे ये वाले सेंटेंस के। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही है, बस ये वाला, यू आर आस्क्ड और टू, क्लियर, बात खत्म, खत्म बात, कुछ भी नहीं करा मैंने, तो सब आपने जवाब दिया, सारी बातें आपसे पूछी मैंने, पूछी नहीं पूछी, आपसे पूछा, आपने हाँ में हाँ करी, क्या हाँ में हाँ करी आपने, देखो इधर, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सुनो, तीनों तरीके से बन सकता, देखो सुनो बना रहा हूँ, यू आर आस्क्ड और टू और एसी उतार दो, पूरा पूरा एसी, इधर मत लेके जाना, एसी उतार दो यू आर वाले में, बढ़िया है। दूसरा टाइप, शुड बी से बनाने का मूड है, इसे यहाँ लाओ, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसे यहाँ गए और शुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई परेशानी है आपको, लेकिन यहाँ गया ये ध्यान रखना। तीसरी बात, लेट से बनाने का, तीन है, तीन प्रकार हैं इसको, और बाद में बताऊंगा आपको, इसमें नहीं है, निगेटिव में है, दो और बढ़ जाऊंगा उसमें, बाद में बताऊंगा। अब तीसरा देखो, लेट वाला, लेट से बनाना, तो लेट लगाओ, शुरू में लेट लगा दो, अब लेट के बाद जो आएगा वो यहाँ जाएगा ना, तो लेट, शुरू में लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर बी थर्ड फॉर्म, क्लियर। अब बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, या अगर है भी तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ और शब्द है वो, गो आउट, आउट प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं नहीं जाएगी, इधर नहीं जा सकती है। ये भी सुनो आप, ये जो हमारा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, ये ऑब्जेक्ट, बस ये इधर जा पाता, और ऑब्जेक्ट क्या होता, कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। तो ये जब इधर नहीं जा पाएंगी, इंपरेटिव सेंटेंस हो, ये इधर नहीं जा पाएंगी, तो बस एक ही आंसर है, यू आर थर्ड फॉर्म और टू फर्स्ट फॉर्म लगा दो आंसर। ज़रा बताओ इसके कितने तरीके से बने, इसका एक ही आंसर है बस, मुझे बताओ इसके कितने तरीके से बनाओगे आप। गो देयर, चलो आपको नहीं पता हो, वैसे पता है आपको लेकिन नहीं पता तो बता दूं, ये गो देयर में जो है ना, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब मेरे कहने का ये है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इधर जा ही नहीं पाएगा। कितने आंसर बनेंगे, बस एक, यू आर, ऑर्डर भी लगा सकते हैं आप, आस्क्ड टू गो देयर। बच्चों इसका एक ही आंसर है, इसका शुड बी और लेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि देयर इधर नहीं आ सकता, खत्म हो गया ये। अब ये देखो आप एग्जांपल, राइट ए पोयम, इंपरेटिव है, ये भी इंपरेटिव था, ये भी इंपरेटिव था, और ये भी इंपरेटिव है, और ये जो है बच्चों एक कविता लिखो, ये जो है हमारा इतना, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये, कविता लिखो, क्या लिखो, कविता लिखो, ये ऑब्जेक्ट है। कितने तरीके से बनेगा, तीनों तरीके से, तो देख लें, यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, टू राइट, कुछ नहीं करेंगे इसमें, ए पोयम, इसमें कहीं नहीं जाता, ऐसे उतर जाता पूरा, ठीक है। अब दूसरा, ए पोयम शुड बी
रिटर्न बढ़िया है ना। दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, लेट से शुरू करो, पोयम को यहाँ रखो, ये तो तरीका है, नोट कर लेना इसे, लेट ए पोयम और मॉडल मत लगाना यहाँ पे, और बी थर्ड फॉर्म, ये आंसर हो गया हमारा, नोट कर लेंगे, आंसर खत्म हो गए। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये काम आपका है, इन दोनों के पेसिप बनाने हैं आपको तरीके से, सोच समझ के ज़रा तरीके से, आराम से मैं मदद कर दूंगा आपकी। एक से बने एक से, दो से बने दो से, तीन से बने तीन से, जितने से बन सकता हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, डांस केयरफुली, बनाओ इसका पैसिव, कितने बनेंगे अपने आप सोचो, मुझे नहीं पता। बनाओ इनके पैसिव वॉइस, वीडियो को यहीं रोको और आंसर दो। अभी इंपरेटिव खत्म नहीं हुए, कल शुरू होंगे कुछ और, अभी तो बहुत सारे हैं, लेट वाले तो अलग ही हैं, बिल्कुल समझाऊंगा आपको, कुछ छोड़ना नहीं है ना, क्लासें 26-27 ही होंगी, देख लेना। तो देखें, डांस केयरफुली, इसका पैसिव बनाओ और नीचे वाले का, चलो इतना टाइम काफ़ी रोक ली होगी आपने वीडियो, मुझे जवाब दो, ऊपर वाले के कितने आंसर आएंगे? बस एक, क्यों? ये एडवर्ब है, और बच्चों एडवर्ब एडजेक्टिव प्री पोजिशन यहां नहीं आ सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, एक आंसर है बस इसका, यू आर आस्क्ड टू, और पूरा ऐसे उतार दो, डांस और केयरफुली, ये हो गया हमारा। फिर दूसरा है रिपेयर द मोबाइल, तो बच्चों ये मेन वर्ब है और ये आप जानते हैं ऑब्जेक्ट है, इसके कितने आंसर बनेंगे? तीन आंसर। तो सबसे पहले वही बनाओ, यू आर आस्क्ड टू रिपेयर द मोबाइल, खत्म हो गया। दूसरा आंसर द मोबाइल, आगे पीछे कर सकते हो आप, ये ऊपर बना दो या नीचे, मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूँ, द मोबाइल शुड बी रिपेयर्ड। फिर आते हैं लेट द मोबाइल, जो बच्चों के दिमाग में सवाल है, जो आप सोच रहे हो कि व्हाट्सएप पे पूछेंगे अजीम सर से, वो मुझे पता है, हो सकता है किसी एक का ही सवाल हो, ये तीसरा आंसर, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है, बी थर्ड फॉर्म, ये भी हो गया। मतलब मेरे कहने का ये है, ज़रूर कोई आपकी क्लास में 70-75 स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट ऐसा ज़रूर है जो मुझसे ये कहना चाहता है कि सर जब हमारे पास ऐसी मेन वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो दिमाग में आ रहा ना आपके, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, और इसे छोड़ दो, चलो ये हटाओ, ये तो आपको पसंद आ रहा होगा ना, वो पसंद नहीं आ रहा होगा आपको, तो एक ही हो गया। एक और कराया था मैंने अभी आपको प्ले, और एक कराया था बच्चों गोदेया, और मैंने साफ साफ कहा था देखो इसमें तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और बच्चों ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही है ना कि सर ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, जो आप पढ़ते हो कि ऐसी मेन वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव होती हैं, अगर आपके समझ में ये बातें नहीं आ रही, राइज अराइज रेज देख लो, उसमें काफ़ी हद तक आपके समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं उसे उसे उसी को रेफर करूंगा, वही देखो आप, लेकिन नहीं जा पा रहा हो वहाँ पे, छोड़ो सारी बातें, सुनो अब, मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती, तो ध्यान से सुने, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है इस टाइम, ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी इस टाइम इंट्रांजिटिव है, कहीं दूसरी जगह ट्रांजिटिव हो सकती, अगर कर दो ना अभी प्ले लूडो तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगी, अभी इंट्रांजिटिव है, और ये गो देयर ये भी इंट्रांजिटिव है, ये हमेशा के लिए इंट्रांजिटिव है, तो अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी ज़रूर, सर इसका पैसिव क्यों बना रहा हो आप, जब ये इंट्रांजिटिव हैं सर, इनका पैसिव क्यों बना रहा हो, और क्यों अजीम सर तुम हमें बेवकूफ़ बना रहा हो, जो भी कह रहा हो मान ले कुछ भी जो आप कह रहा हो, क्योंकि हमारे जो हाई स्कूल के 11th के 12th के जो टीचर्स रहे हैं या कहीं और कंपटीशन हमने तैयारी करी हो, तो उन्होंने हमें साफ साफ बताया कि
कि भैया इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता और आप पैसिव बनवा रहे हो, पागल समझ रहे हो हमें? ना, आप गलत फहमी में हो। मैं इनका पैसिव कब बनवा रहा हूँ? कब बनाया बताओ मैंने इनका पैसिव? कहाँ है पैसिव वॉइस? इसका बनाऊं? फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, इसका बनाऊं? कब बनाया मैंने इसका पैसिव? आपके टीचर भी सही थे, हाई स्कूल 11th, 12th या कंपटीशन में जितने भी पढ़ाया हो आपको, आपके पसंदीदा टीचर, प्यारे प्यारे अध्यापक, सब बढ़िया थे वो। आप भी सही हो, मैं भी तो सही हूँ, कहाँ गलत हूँ बताओ? मैं कहाँ बना दिया मैंने पैसिव वॉइस इस वर्ब का? सर पैसिव तो बना दिया भाई, पैसिव जब पेपर में आएगा इंपरेटिव सेंटेंस का, और तरीका भी है हमारे पास, तो बना के आएंगे, क्यों बहस करेंगे उनसे हम? ये है तो हमारा पैसिव, ये है तो हमारा पैसिव, ये है तो हमारा पैसिव, बढ़िया इनका बनाएंगे, यह है तो मौजूद हमारे पास तरीका। लूडो खेलो, तुमसे कहा जाता है लूडो खेलो, लूडो खेलो का मत बनाओ, इसका तो बना सकते हो, तुम्हें तुमसे कहा जाता है, हालांकि लूडो खेलो का भी बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन नहीं है मूड तो तुमसे कहा जाता है बना दो। तो ध्यान रखना बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वाकई में नहीं बनता, लेकिन उसमें कुछ और तरीके लगा के बना सकते हैं। अगर आपको इस पे आपत्ति है तो आपको आपत्ति उस पे क्यों नहीं हुई थी? टाइप नंबर तीसरे पे, शी इज गोइंग टू प्रिपेयर कॉफी, तो कॉफी इज गोइंग नहीं बना इसका पैसिव, टू बी प्रिपेयर्ड उसका बना था। तो ध्यान रखें, वो भी सही थी बात जो आपके टीचर ने बोली, आप भी सही सोच रहे हो, हम भी सही हैं, और वाकई में इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता। हमारी क्लास यहीं समाप्त हो जाती है, कल यहीं से शुरू करेंगे और उस मुकाम पे ले जाएंगे आपको कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट अंग्रेजी बना करके ही मानेंगे, इतने आसान तरीके से सिखाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।